हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति एंड वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो उन्हें प्रोवाइड करा दी जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत से प्रिपेयर करी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं एब्रिविएशन और उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है URL। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है USB। USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वायरस। तो फ्रेंड्स, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये आपने याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स ही पूछी जाती हैं, बाकी कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता। तो आपको फुल फॉर्म्स बड़ी अच्छे से लर्न करके जानी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं CPU। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा JPEG। तो फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है RAM। RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है ROM। ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है सोनेट। सोनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है WPAN। तो WPAN की फुल फॉर्म है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं PNG। तो फ्रेंड्स, PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है CD। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और नेक्स्ट है DVD। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है GIS, जिसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है SMPS, जिसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है CRT, इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है DEC, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। और नेक्स्ट है SAP, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। मॉनिटर्स, प्लॉटेड कार रीडर, प्रिंटर, स्पीकर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में। किनके बारे में? इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक, स्कैनर, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा एंड इलेक्ट्रॉनिक कार रीडर, ये सब क्या हैं? ये सब हैं इनपुट डिवाइसेस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये भी इनकी भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 निबल जो है ये किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। 1 byte जो है ये किसके बराबर होता है? 8 bit के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 1 kilobyte, जिसे कि KBB कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, ये किसके बराबर होता है? 1024 byte के। ये आपने याद रखना है। 1 megabyte किसके बराबर होता है? 1024 kilobyte के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 1 gigabyte इज इक्वल टू 1024 megabyte। 1 terabyte किसके बराबर होता है? 1024 gigabyte के बराबर होता है। 1 petabyte ये होता है 1024 terabyte के बराबर। 1 exabyte ये होता है 1024 petabyte के बराबर।
और 1 zettabyte ये किसके बराबर होता है, 1024 exabyte के बराबर, और 1 zottabyte जो है ये होता है 1024 zettabyte के बराबर, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये तो थी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए वन लाइनर की फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, तो चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सही, चार्ल्स बैबेज। तो फ्रेंड्स चार्ल्स बैबेज जो हैं इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर का पिता, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किसने विकसित किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एलन एम टूरिंग। तो फ्रेंड्स डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसे विकसित किया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन डिजिटल टर्म्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट। तो फ्रेंड्स इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये आपने याद रखना है इन डिजिटल टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का जो सबसे तेज़ कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने जून 2022 तक अपडेटेड है ये लिस्ट, तो ठीक है फ्रंटियर जो है ये जून 2022 का सबसे फास्ट कंप्यूटर है, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 500 फास्टेस्ट कंप्यूटर्स अमेरिकन मेड सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर, वाइल जापान्स फुगाकू कंप्यूटर इज एट द सेकेंड पोजिशन। तो फ्रेंड्स जो ये है ये अमेरिका ने बनाया है ये फ्रंटियर, ठीक है, ये क्या है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, और फ्रेंड्स जो सेकेंड नंबर पे है वो कौन सा है, जापान का फुगाकू कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रिंटर इज यूज फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो फ्रेंड्स डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यूज होता है किस लिए, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ तकनीक का अर्थ क्या है, ठीक है इसका क्या अर्थ है, आंसर देख लेते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है डिवाइसेस के बीच उसे कहा जाता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड वेब को किसने खोजा था या किसने आविष्कार करा था, WWW का। तो इसका सही आंसर है टिम बैनर्स-ली। टिम बैनर्स-ली ने करा था इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सही आंसर है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के जो मेन बोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, मदर बोर्ड, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मल्लपुरम जो कि केरला में है ये है भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपर नंबर। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर नंबर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ड्राइव इज रिलेटेड टू विच कंपनी। तो राइट आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है स्काई ड्राइव, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण किसने किया था, तो सही आंसर है CRC जिसकी फुल फॉर्म है क्रे रिसर्च कंपनी। नेक्स्ट है, विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट काउंटिंग मशीन। तो फ्रेंड्स विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा था, अबेकस, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच कंपनी फर्स्ट डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट? तो फ्रेंड्स, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का विकास किया था? सही आंसर है इंटेल। ठीक है, इंटेल ने करा था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय भाभा रिसर्च सेंटर इज? तो फ्रेंड्स, भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट आंसर है अनुपम। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस देश ने दिया है? राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली इन इंडिया? तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली इन इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर? राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूज्ड इन प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर? राइट आंसर है ULSIC, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होता है, उसे तो कॉमनली कहा जाता था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अब क्या बन गया, ULSIC। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? राइट आंसर है लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस जो है, ये विश्व की प्रथम प्रोग्रामर थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो फ्रेंड्स, विश्व का जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था? ENIAC, ये आपने याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, When and where was the first mobile service started in India? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड, राइट आंसर है फ्रॉम कैलकाता इन 1995। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर क्लॉक कैलकुलेटर? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना किससे की जाती है? राइट आंसर है मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर टू सिंप्लीफाई द वर्किंग ऑफ द ब्रेन? राइट आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है कंपाइलर। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, What is the language that a computer understands and executes called? तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है, उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the correct order of displaying the data in order of size from smallest to largest? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, डाटा जो है, ये डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम है ये, बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, ये आपने याद रखना है। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर परम डेवलप्ड बाय इंडिया? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर जो जिसका नाम था परम, इसका विकास किसने किया था? राइट आंसर है CDEC। CDEC की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग बाय पुणे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन एंड व्हाई होम वॉज द टेलीग्राफ इन्वेंटेड? तो फ्रेंड्स, टेलीग्राफ की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले 1835 में इसकी खोज की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? सैमुअल FB मोर्स एंड सर चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा। कब करी गई थी? 1835 में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंटियल इन्फॉर्मेशन बाय रिवीलिंग वंस फॉल्स आइडेंटिटी कॉल्ड? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? राइट आंसर है फिशिंग ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या अर्थ है?
तो राइट आंसर है, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो फ्रेंड्स ये तो थे 33 क्वेश्चंस वन लाइनर की फॉर्म में, जो कि काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। तो आइए अब कुछ एमसीक्यू का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जान लेते हैं। चार्ल्स बैबेज एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमर्थ ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देर इन सीपीयू? तो फ्रेंड सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्री। थ्री पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ALU। सेकेंड होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे कि CU कहा जाता है। और थर्ड होता है रजिस्टर्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इज इक्वल टू? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 बिट्स। तो फ्रेंड्स वन निबल इक्वल टू होता है 4 बिट्स की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 5। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू इसे जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन थी जो वो थी वैक्यूम ट्यूब्स की, सेकेंड है ट्रांजिस्टर्स की, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, फोर्थ जनरेशन जो थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर्स की, और फिफ्थ जनरेशन जो है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KB इन मेमोरी? तो फ्रेंड्स मेमोरी में KB की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन द कीबोर्ड? तो फ्रेंड्स कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। 4 एरो कीज होती हैं कीबोर्ड में। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो 4 एरो कीज कौन कौन सी होती है? अप राइट डाउन एंड लेफ्ट एरो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, ये आपने याद रखना है। कौन कौन सी? बेसिक, पास्कल और कोबोल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JSP? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस फुल फॉर्म है JSP की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bing is a web search engine owned and operated by? Right answer है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, Microsoft। तो फ्रेंड्स जो Bing है ये एक वेब सर्च इंजन है, जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? Microsoft के द्वारा, ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली आउटपुट डिवाइस? तो फ्रेंड्स पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स ऊपर ही हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वेब स्पाइडर। तो फ्रेंड्स वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस? तो फ्रेंड्स ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ रिटन लिंक्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर दैट इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड वेब, यानी कि www. नेक्स्ट है, द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउजर आफ्टर ओपनिंग द वेबसाइट इज कॉल्ड. राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, होम पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज सर्च कैपेबिलिटी, ईमेल, न्यूज, स्टॉक प्राइजेस, वेदर इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पोर्टल. तो फ्रेंड्स, जो पोर्टल है ये खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है हमें, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस कॉमनली डिस्क्राइब्स अनवांटेड जंक ईमेल. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पैम. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंटेंशनली डिस्प्यूटिव सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर इज कॉल्ड. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉल्ड. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक क्या कहलाता है. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटलुक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर. तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बिट. तो फ्रेंड्स, जो बिट है ये कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है, ये आपने याद रखनी है. नेक्स्ट है, By whom is an email message protected? जो email के message होते हैं वो किसके द्वारा protect किए जाते हैं. Right answer हो जाएगा इस question का option D, encryption. Encryption के through messages को, email messages को protect करा जाता है, ये आपने याद रखना है. Next question है, What is used in present generation computer? Right answer हो जाएगा इस question का ऑप्शन नंबर बी, ULSIC. ULSIC की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम एंड रोम आर द एग्जांपल ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज डिवाइस. तो फ्रेंड्स, स्टोरेज डिवाइसेस हैं रैम एंड रोम, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU कंट्रोल्स. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग. ये सब कौन कंट्रोल करता है? CPU. नेक्स्ट है, NEX स्टैंड्स फॉर. तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए. तो फ्रेंड्स, NEX की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये क्वेश्चन भी ऊपर ही आया था. ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था NEX, और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस. डेवलपर ऑफ माउस. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, डोगलस एंगलबर्ट जो थे. फ्रेंड्स, ये थे डेवलपर माउस के, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमरी. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम. तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का. लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीडियो. और वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपने याद रखना है. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे लूंगी वन क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है. ठीक है फ्रेंड्स, टेस्ट का क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट.